नमस्कार संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है हमारे लिए, क्योंकि अगर तो सीधी सीधी बात माने कि जो गुरु ने कहा है बस वो कह दिया, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, हमें करना है। जैसे आप डॉक्टर हो, आप जानते हो, आप अगर पेशेंट को मना कर देते हो कि आपकी बीमारी के हिसाब से आपको ये चीज नहीं खानी, तो उसे मानना पड़ता है। लेकिन हमारा स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल डॉक्टर हमें कहता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके लिए ये चीज नुकसानदायक है, तो हम जस्टिफिकेशन देते हैं बहुत सारे, इसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा कहा है। तो आज का जो विषय है कि जो लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद में ये लिखा हुआ है कि लहसुन गार्लिक खाने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, और सब लोग हर चीज में गार्लिक डाल के खा रहे हैं, सुबह उठ के कच्चा गार्लिक खा रहे हैं, और क्योंकि आप डॉक्टर हो, आपने आयुर्वेदा में पीएचडी की है, क्वांटम हीलिंग में पीएचडी की है, आप एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हो, तो बहुत सारी रिसर्च और केस स्टडीज हैं आपके पास। तो थोड़ा आप हमें ये बताइए कि कहाँ तक ये बात सही है। बिल्कुल, थैंक यू आप सभी को। और बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल जो वेबसाइट है या जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारी अवेलेबल है, और जो किताब में भी जो लोग पढ़ते हैं, जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं, मेरा पर्सनल व्यू है कि वो पढ़ते हैं लेकिन उसको एक भौतिक स्तर पे ही देख, और उसको भौतिक स्तर पे देखने के बाद वो जो भी समझते हैं उसको, वो उस किताब में जो भी लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग वो लिख देते हैं, चाहे वो विकिपीडिया पे हो या वो अपनी कोई वेबसाइट बना लेते हो उसके ऊपर अपनी वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं। लेकिन अगर हम इसको गहरे तल पे समझें तो एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है धन्वंतरी, हरीश जोहरी की लिखी हुई है। वो जब मैं कभी 12th क्लास के बाद जब मैं आयुर्वेदा में आई फर्स्ट ईयर में, तब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा था। और उस हरीश जोहरी की बहुत सारी पुस्तक है, लेकिन उस पुस्तक के अंदर मेरे को जो रियल असेंस समझ आया कि जो हमारी, जैसे हम पांच भौतिक से बने हैं, ऐसे ही हमारी जो सब्जियां हैं, हमारे जो फल हैं, या हमारे जो सीरियल्स हैं, गेहूं चावल मिलेट्स हैं, ये सब भी पांच तत्वों से बने हुए हैं। जैसे आपने आज गार्लिक की बात की है, ऐसे मिलेट्स के ऊपर भी बहुत सारे लोग मिलेट्स खाते हैं, तो अब मिलेट्स के ऊपर भी एक और चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मिलेट्स जो लोग खाते हैं उनको यही नहीं पता कि ये भारी हैं हल्के हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो खाने लगते हैं, जबकि मिलेट्स उन व्यक्तियों को खाने चाहिए कि जो बहुत हार्ड वर्क करते हो, जो मेहनत करते हो, जो सुबह से शाम तक कस्सी चलाते हो ना, क्यों? क्योंकि वो गुरु है, वो भारी है, पचने में ही भारी है, क्यों? क्योंकि वो सारे शरीर की ऊर्जा को खींचते हैं। और आजकल ऐसा फैशन आ गया, क्योंकि 2023 मिलेट्स ईयर था, तो उसमें सब लोगों ने ही मिलेट्स खाने शुरू कर दिए और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। ऐसे ही अब हम गार्लिक की बात करते हैं, तो गार्लिक में जो हरीश जोहरी की पुस्तक है उसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ये आता है कि ना, आपका जो भोजन है या जो हमारी प्रकृति है वो सात्विक होती है, राजसिक होती है, तामसिक होती है। तो मैंने दो तीन स्लाइड भी बनाई है और वो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि जो स्लाइड के माध्यम से हम कैसे समझेंगे उसको कि जो हमारा खाना है। तो हम सबसे पहले समझें कि हमारे पांच तत्व हैं, और जो पांच तत्व हैं उसमें जो पृथ्वी तत्व है, और उसके बाद हमारा जल तत्व है, फिर अग्नि तत्व है, फिर वायु तत्व है, और फिर आकाश तत्व। हम इन पांचों से बने हुए हैं, पांचों से ही ये सब चीजें, पूरी सृष्टि बनी हुई है। अब वो कहते हैं कि जो तामसिक फूड होते हैं, फूड का मतलब कि जो जो भारी है, पचने में भारी है, जिनके पास गंध तत्व हो। गंध तत्व अब किस में आता है? अब देखो, आप अगर गार्लिक की बात कर रहे हैं और हम अनियन की भी बात करेंगे, तो गार्लिक में सबसे ज्यादा गंध होती है। तो गंध का, जैसे ही गंध हमें दिखाई दी तो समझ लो कि उसमें पृथ्वी हुई है, वो भारी है। जो भारी होता है तो उसको उठाओ तो क्या करेंगे, वो ऊर्जा का स्तर है या जो उसकी ऊर्जा की बॉडी है। जैसे हम अपने शरीर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ये भौतिक शरीर है, फिर हमारा उसके अंदर एक और ऊर्जा शरीर है,
इसी तरीके से वो जो हमारा गार्लिक है उसका भी एक भौतिक शरीर है, फिर एक वो उसका ऊर्जा शरीर है। अब वो है ही भारी, जिसके पास गंध तत्व है, जिसके पास गुरु है वो, और जो पृथ्वी तत्व से संपन्न है, तो और उसका बेसिक जो कहते हैं ना कि हमारी जो प्रवृत्ति, बेसिक प्रवृत्ति हम बोलते हैं क्वांटम में, बोलते हैं इसको प्रोक्लिविटीज, कि मतलब तुम्हारी जन्मजात प्रवृत्ति ही ऐसी आई है किसी की। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी वातिक प्रकृति है, पैतिक प्रकृति है, कफज प्रकृति है, ऐसी हमारी जो भोजन है उसमें जो हमारा अनाज है, जो गार्लिक है, जो मसाले हैं, उनकी भी अपनी प्रकृति होती है। इसी तरह अब उसकी प्रकृति क्या है, वो पृथ्वी गुण से संपन्न है। अब नेचुरल सी बात है कि गंध तत्व आ गया, गुरु तो आ गई उसमें, और पृथ्वी आ गई। अभी हमने गार्लिक देखा नहीं, लेकिन हम सिर्फ बात करें कि जिसमें गंध तत्व होता है वो भारी होता है, उसका जो वो ग्राउंडिंग होता है। अब जैसे ऊपर से पत्थर फेंको तो नीचे गिरेगा, पानी फेंको नीचे गिरेगा, अग्नि फैल जाएगी, वायु बहने लगेगी, आकाश चारों तरफ फैल जाएगा। तो अब अगर हम गार्लिक लेते हैं तो हाँ क्या होगा गार्लिक लेने से, आप देखो कि हमने गार्लिक खाया, और गार्लिक हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये तामसिक होता है, शास्त्रों ने कह दिया कि ये तामसिक है। तो तामसिक का मतलब हो गया कि ये पृथ्वी और गंध गुण होती है, इसलिए इसका डाउनवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। अब डाउनवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब कि सीधा अगर हम मूलाधार चक्र की बात कर लें, स्वाधिष्ठान चक्र की बात कर लें, तो हम ये कहेंगे कि वहां पर ये ग्राउंडेड हो जाए। ऐसे अगर आपने लहसुन खाया तो आपकी एनर्जी का फ्लो स्लो हो जाएगा, वो ग्राउंडेड हो जाएगा, उसका डाउनवर्ड फ्लो हो जाएगा। और आप एक पिक्चर दिखाऊंगी मैं, लेकिन साथ साथ मैं ये बता दूंगी इसको, जैसे कि मान लो इसके साथ एक चीज और ऐड करती हूँ कि मान लो हम सिर ना धोएं कुछ दिन तक, अगर हम सिर नहीं धोएंगे तो क्या होगा, हमारे सिर में जुए हो जाएंगे, है ना। तो क्यों हो गई, क्योंकि जो स्वेद है, स्वेद से हमारे सिर के पसीने से और गंध से, स्वेद और गंध से जुए उत्पन्न होती हैं। सेम इसी तरीके से ये कहा गया है शास्त्रों में कि अगर जिसके पास गंध है, जैसे कि गंध का मतलब कि जो बहुत भारी है, आलसी जो होगा, उसके पास जो गंध होगी तो उससे इसकी उत्पत्ति मानी गई है। ये बताया गया कि जो देवता है और दानव है, तो जब दानव का यानी कि जो स्पेसिफिकली राहु का जो ब्लड, जब आपस में युद्ध कर रहे थे देवता और दानव, तो इसमें जो राहु थे उसमें से जो खून की बूंदे जब धरती पे गिरी तो उससे लहसुन की उत्पत्ति मानी गई। ये मैं उस पुस्तक से ले रही हूँ जो डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की पुस्तक है, द सेट्रन करके, तो उसमें ये माइथोलॉजिकल स्टोरी दी गई है, लेकिन उसके साथ उसका वैज्ञानिक तत्व भी, महत्व भी बताया गया है। तो इसका मतलब ये कि अगर हमारे सिर में पसीने से उत्पत्ति होती है हमारी जीवों की, क्योंकि वो गंध तत्व है, सेम इसी तरीके से अगर धरती में अगर कहीं पर भी इसी टाइप की गंध होगी तो वहां से जो उत्पत्ति मानी गई है कि दानवों के पसीने से, स्वेद से इस लहसुन की उत्पत्ति मानी गई है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि भाई अगर आप सात्विक होना चाहते हो, आप ध्यान में जाना चाहते हो, आप शुद्ध जाना चाहते हो, आप अपनी ऊर्जा को विस्तार करना चाहते हो, आप अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ डायरेक्शन देना चाहते हो, तो आपको लहसुन नहीं लेना चाहिए। स्पेसिफिकली कि जो धरती से नीचे की जो चीजें हैं उनके अंदर ये पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है या जल तत्व ज्यादा होता है, तो हम इसको तो आगे अगली बात पे आएंगे। तो इस प्रकार से ये बताया गया कि अगर हम गंध तत्व वाली चीजें लेते हैं तो उससे हमारी जो एनर्जी है उसका जो फ्लो है वो डाउनवर्ड जाएगा। अब आप देखो कि अगर ग्रेविटी, पत्थर जैसी चीजें हम ले रहे हैं, जैसे पत्थर मतलब कि अगर पृथ्वी तत्व, हमने अब गार्लिक की हम बात करें तो हम अगर गार्लिक खाया तो अब आप देखो हमारी जो ऊर्जा का जो शरीर है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम अपने भौतिक शरीर को ना देखें, हम ऊर्जा शरीर को देखें,
ऊर्जा के अंदर, ऊर्जा जो शरीर है उसके अंदर भारीपन आ जाएगा, आलस्यता आ जाएगी। अपने आप ही जो एनर्जी है, जो हमारा ऊपर की तरफ हमारा जो फ्लो होता है उसमें ऑटोमेटिकली रुकावट आ जाएगी। तो हमारा ऊर्जा शरीर और हमारा जो भौतिक शरीर है दोनों के कॉम्बिनेशन में फर्क पड़ जाएगा, दोनों का आपस में जो समन्वय होना चाहिए वो उसमें फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए गार्लिक को नहीं लेते। वैसे गार्लिक को और बोला गया है कि रसोन बोला गया है। रसोन का मतलब एक रस नहीं है, इसमें और पांच रस है। तो आयुर्वेद ये कहते हैं कि हमारे जितने भी जो हमारे अन्न वर्ग है या शाकाहार वर्ग है तो इसमें हमारे छह रस होते हैं, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो ये जो लहसुन है इसके अंदर मधुर, लवण, कटु, तिक्त, कषाय रस होते हैं। और ये जो रस है इनमें अग्नि की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कि कटु है, तिक्त है, और कटु और लवण रस इसमें अग्नि बहुत होती है। तो ये उष्ण प्रवृत्ति का भी है। उष्ण प्रवृत्ति का मतलब ये है कि इतनी ये अग्नि बढ़ा देगा शरीर में कि ये ना ब्लड थिनर माना गया है। जब रिसर्च रिसर्च पेपर एक मैंने लिया है स्लाइड में कि ब्लड थिनर है ये, कोलेस्ट्रॉल को खत्म नहीं करता। मतलब हम उसको दूसरी सेंस में ले लेते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं। कोलेस्ट्रॉल का तो बिल्कुल अलग रोल है कि कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है। कोलेस्ट्रॉल इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो हृदय है और उसके दोनों तरफ जो फेफड़े हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं होता। अगर हमारा हृदय ढंग से धड़केगा नहीं और हमारा सांस का जो प्राण वायु है अगर वो उसके साथ हृदय के साथ सही समन्वय नहीं स्थापित करेगी तो नाड़ियां ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएंगी, और स्लो हो जाएंगे तो उसमें जो भी फ्लो है, जो भी हम खा रहे हैं उसका वो कुछ ना कुछ पार्ट जो है फैट का वो जमा होने लगता है, इस वजह से कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन ये वजह नहीं है कि हम अगर लहसुन खाएं तो उससे कहीं कोलेस्ट्रॉल दूर होता है या हृदय का कोई रोग ठीक होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और आयुर्वेद में अगर हम देखें तो आयुर्वेद में सबसे पहले लिखा है कि ये तो तामसिक होता है, ये आहार नहीं है, आप औषध के रूप में ले सकते हो इसको लेकिन आहार के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो लेकिन हमने अब देखा कि आसान सा तरीका है तो भाई ठीक है, आहार के रूप में इसको लहसुन को ले लो और फिर हम इसको यूज करने लगे आहार में, जबकि उन्होंने कहा कि ये एक औषधि के रूप में आपको कहीं लेना है तो ले लो। एक चीज और जो मुझे मतलब वहां पे कहीं हृदय के बारे में जो मैंने कई बुक्स देखी और बहुत सालों से जब से पत्री सर ने कहा कि गार्लिक नहीं खाना चाहिए, उससे पहले भी हम तमस तो नहीं खाते थे लेकिन मैंने कुछ चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश की थी उन दिनों से ही कि ये हृदय के लिए क्यों माना गया है, कहाँ ऐसा है हृदय। तो मैं एक पुस्तक है उसमें मैंने ये देखा कि जो हमारे नवग्रह हैं उसमें जो हृदय का स्थान माना गया है शुक्र का स्थान माना गया है, शुक्राचार्य, यानी कि शुक्राचार्य हमारे जो राक्षसों के जो हेड थे उनको शुक्राचार्य बोला कहते हैं। और जो शुक्राचार्य का स्थान यानी कि मंगल का जो मंगल ग्रह है उसका स्थान नाभि माना गया मणिपुर, और शुक्र का स्थान हृदय माना गया। और शुक्र से हम आपस में अपनी पार्टनरशिप को भी देखते हैं, पति पत्नी के रिश्ते को भी देखते हैं, और कहीं ना कहीं शुक्राचार्य यानी कि दानवों के जो राजा थे उसका स्थान हृदय है। यानी कि अगर हमें अपनी फिजिकल रिलेशनशिप को या हमें अपनी डाउनवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी को रखना है, सेक्सुअल एनर्जी को अगर हमें कहीं व्यवस्थित करना है, ठीक करना है, बढ़ाना है, हम कैसे भी इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो शायद ये कहीं लिखा गया होगा कहीं से बीच में गायब हो गए होंगे कुछ शब्द कि हृदय के लिए अच्छा होता है। हृदय के लिए है फिजिकल रिलेशन में। ये मेरा अपना कंसेप्ट है, अपना इंटरप्रिटेशन है कि जैसे अब गले का जो है वो बुध स्वामी माना गया है, तो बुध में क्या होता है फ्लक्चुएशन होती है, तो हम वाणी को बहुत आज बहुत सोच समझ के बोले, इसी तरह हृदय में शुक्र का स्थान है, इसी तरह जो नाभि है वो उसमें मंगल ग्रह का स्थान माना गया है। युक्तेश्वर गिरी जी की पुस्तक है
होली साइंस उस उन्हीं के युक्तेश्वर गिरी जी के ही शिष्य हैं, उन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। तो कभी फिर मौका मिलेगा तो उस पुस्तक में जो ग्रहों का बताया गया है तो उसको हम बताएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक आज गार्लिक है तो हम गार्लिक पे ही बात करेंगे। तो मैं आपको, अगर आप कहें तो मैं एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाती हूँ कि जो गार्लिक है वो धरती से नीचे की तरफ लगता है, यानी कि जहां पर ऑलरेडी ये चांसेस हैं कि पृथ्वी के गुण वो लेगा। तो जो भी धरती से नीचे, जैसे कि हम उसमें गार्लिक है, अनियन है, हम आलू है, लेकिन आलू में गंध नहीं है, शकरकंदी है उसमें गंध नहीं है, पृथ्वी गुण तो है लेकिन उसमें गंध नहीं है। ऐसे ही और भी, जैसे हम अदरक लेते हैं, हल्दी लेते हैं, ये सब चीजें जो पृथ्वी से नीचे की जो चीजें होती हैं उसमें पृथ्वी ऑटोमेटिकली गुण तो होगा, लेकिन जिसके साथ गंध होगी, गंध का मिलन हो जाएगा, वो तामसिक बन जाएगा, तो वो हैवीनेस लाएगा और वो डाउनवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी लाएगा। तो और उसमें अर्थ एलिमेंट का जो परसेंटेज है वो भी ज्यादा होगा। और उसका कलर देखो, अब आप गार्लिक का अगर आप कलर देखें तो वाइट हम क्योंकि जल्दी निकाल लेते हैं, अदरवाइज वो पको अवस्था में अगर आप देखोगे तो रेडिश कलर का होगा, मूलाधार चक्र से रिलेटेड होगा, मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र से रिलेटेड होता है वो। क्योंकि अगर आपको सेक्सुअल एनर्जी या आपको एक फिजिकल एनर्जी को बढ़ाना है तो उसके लिए ये औषध के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम आहार के रूप में इसको इस्तेमाल। संगीता मैम, एक चीज आपसे मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आपने पहले भी कहा कि आहार और औषधि दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन आजकल तो हमने इसे आहार ही बना लिया है। तो औषधि का तो एक प्रॉपर मात्रा होती है, कितने समय लेनी है, तो वो अब थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर करिए। आहार और औषधि में आप क्या फर्क समझते हैं? आहार और औषध में ये फर्क है कि आहार माना गया है कि जैसे जो रस के आधार पे हम खाना खाते हैं, रस के आधार पे जैसे रोटी है, मधुर रस की होती है और हम उसको सुबह भी खाएंगे, दोपहर को भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे, लेकिन जो औषध होती है उसमें रस के आधार पे नहीं होती है, उसके वीर्य के आधार पे हम औषध को लेते हैं। जैसे इसका जो वीर्य है, ये इसके वीर्य को हम अगर देखें तो उष्ण प्रकृति है इसकी, तो हम वीर्य के आधार पे औषध को चुनते हैं। जैसे मान लो कि हम खदीर खाएं, खैर जो शीत होता है, तो किसी का अगर ब्लड प्योरिफायर है, ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए देना है, तो हम उसको शीत वीर्य की औषधि देंगे, ना कि आहार। आहार सिर्फ रस के आधार पे चलता है, तो ये औषध में आता है, ना कि हम इसको आहार में लें। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हैं ऐसी जो आहार में नहीं लेनी चाहिए, जो तामसिक होती है, जो हैवीनेस लाती है। तो आहार होता है रस के आधार पे हम डिसाइड करते हैं, और जो औषध होती है वो हमारे वीर्य के आधार पे है, कर्म के आधार पे है, हम उसके आधार पे या हम उसके विपाक के आधार पे हम औषध को चुनते हैं कि कौन सी औषध हमें देनी चाहिए। अब ये मैंने 5 तत्व इसलिए बनाए कि बच्चों को इजीली समझ आ जाएगा। तो आप एक ब्लू कलर देख रहे हैं, सबसे पहले आकाश, जो आकाश होता है ना वो ऐसे खिला खिला सा रहता है, एक्सपेंडेड है, इसको क्षय गुण माना गया है कि जैसे हमारे चारों तरफ अगर खालीपन है तो हम इसको कहेंगे कि आकाश गुण है। उसके बाद नंबर 2 पे जो आया है वो वायु गुण है, वो भी ऑटोमेटिकली वो स्प्रेड होता है, ये दिखाई नहीं देते दोनों चीजें। दो तत्व ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते, वो एक्सपैंड करते, लेकिन जो तीसरा है अग्नि है, वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वो फैलती है। जैसे अगर हम यहाँ पर इस कमरे में अगर हवन कर रहे हो तो वो हवन की जो उष्मा है वो थोड़ा बस कमरे तक जाएगी, लेकिन खुशबू बाहर तक जाएगी हवन की। तो वायु और आकाश बाहर तक जाता है, एक्सपैंड करता है, तो इसलिए जो सात्विक आहार होते हैं वो हमारे आकाश और वायु गुण प्रधान होते हैं।
और जो अग्नि है और उससे नीचे आप देखेंगे कि जो राजसिक गुण है, रजस भी अग्नि के अंदर आता है, कि जो रजस भोजन होते हैं वो अग्नि तत्व होते हैं जो बहुत चटपटा खाते हैं जैसे, तो चटपटा भी हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारी जो ऊर्जा शक्ति है उसको वो संकुचित कर देता है, जला देता है। जैसे मान लो आप बहुत गर्म चीज खा रहे हो तो ऑटोमेटिकली हमारी जो अंदर की म्यूकोजा है उसको जला देगा वो। तो इतनी चटपटी चीजें खाना, मतलब फायर एलिमेंट जो अग्नि तत्व है उसका भी हमें कम यूज करना चाहिए। फिर हमारा फोर्थ पे है जैसे जल तत्व है, उसका भी फ्लो है, एक पर्टिकुलर फ्लो रहता है, वो भी ज्यादा मात्रा में एक्सपेंड नहीं होता। और जो लास्ट में आता है जो पृथ्वी है वो बस वहीं पे वो स्टोर हो जाता है। तो जो पृथ्वी है वो बस वहीं पे स्टेग्नेंट जिसको बोलते हैं, मतलब स्टेग्नेंसी है, वो ऊर्जा फैलेगी ही नहीं, बस वहीं पे ही वो रह जाएगी। तो और हमारा जो ऑर्डर भी होता है, हम क्या करते हैं, अब आपने शुरू में बोला कि सबसे पहले हमें मतलब लोग उठ के जो है वो लहसुन खाते हैं, लहसुन की एक कली खाते हैं, दो कली खाते हैं, जबकि उसका आप रस देखो, अगर हम रस के आधार पे भी देखें तो उसका जो रस है वो पांच रस है उसके अंदर, लवण, कटु, तिक्त, कषाय और मधुर। आप शुरू में ही खाएंगे तो वो बहुत कटु होता है, तीखा होता है और बहुत उष्ण होता है, उष्ण प्रवृत्ति का। जबकि ऑर्डर ऑफ ईटिंग क्या है कि पहले मधुर खाना चाहिए, फिर अमल खाना चाहिए, फिर लवण, कटु, तिक्त, कषाय। खाने का एक ऑर्डर है, जैसे पहले टाइम में क्या करते थे कि पहले खाते थे लड्डू, खाते थे पहले मीठा खाते थे ताकि मुंह के अंदर के जो एंजाइम्स है वो आराम से निकले, आराम से चबाए, कार्बोहाइड्रेट अच्छे तरीके से वो पचे, अंदर से एंजाइम निकले, टाइलिन निकले, उसके बाद अंदर जाए। अंदर जाने से पेट के अंदर जो एसिडिक नेचर है, जो HCl है, वो उस खाने को गलाए, जो और प्रोटीन है उसके पास, और फिर उससे नीचे जाके लवण और कटु तिक्त जो रस है वो हमारे फैट को गलाते हैं। तो एक सिस्टम है, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो छोटी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और उसके आधार पे फिर हम उसको सुबह खाएं, दोपहर को खाएं, शाम को खाएं, दुनिया भर की जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो उसी से लोग पजल हो जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि हमें कैसे खाना चाहिए। अब आप देखो कि ये एक मैंने पिक्चर बनाई लगाई थी कि चुना था कि तामसिक फूड जो होते हैं, विच फूड इज हार्डर टू डाइजेस्ट, इट प्रोड्यूसेस ए ग्रेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड बाय द सिस्टम एंड बेस्ट स्टडी सुटेड फॉर द हार्ड फिजिकल। मतलब अगर आप फिजिकल वर्क के लिए कोई भी चीज ले रहे हो, जैसे आलू अगर आप खा रहे हो, आप उसके नीचे शकरकंद खा रहे हो, या आप अनियन, पहले के लोग थे जो फिजिकल वर्क करते थे वो प्याज ले जाते थे कच्चा, उसको कूटते थे, मुक्के से कूट लेते थे और रोटी के साथ खा लेते थे। लेकिन आज की डेट में हमें अगर एक ऊर्जा स्तर पे अपना फ्लो चाहिए अच्छा, तो हम फिर उसको पहले सोचें कि ये हमें किस तरह का फूड हमें खाना चाहिए। तो ये एक पिक्चर के माध्यम से बताया कि मोस्ट डायरेक्टली बाउंड बाय द ग्रेविटी एंड कंटेन द हैवीएस्ट एंड मोस्ट तामसिक एनर्जी। तामसिक एनर्जी का मतलब है कि जो फ्लो, हमारा जो एनर्जी का फ्लो है उसको बहुत स्लो कर दे, तो उसको स्लो कर दे तो वो तामसिक फूड के अंदर आते हैं।